हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं एक बार फिर आपके लिए छत्तीसगढ़ में निकली जॉब एवं वैकेंसी के बारे में जानकारी देने वाला हूं। छत्तीसगढ़ में विभिन्न वैकेंसियां जैसे प्रोग्राम कंसल्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा एसोसिएट, प्रोग्राम असिस्टेंट, योगा चिकित्सक, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, इन सभी के कुल 48 सीटों पर भर्तियों के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया है। इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें तथा हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इसके ऑफिशियल विज्ञापन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप इसका आधिकारिक विज्ञापन देख पा रहे हैं। यह विज्ञापन कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य आयुष सोसाइटी राष्ट्रीय आयुष मिशन द्वारा जारी किया गया है। इसमें देख लेते हैं कि कितनी पोस्ट खाली है और कितनी पोस्ट के लिए वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। इसमें सबसे पहला पोस्ट का नाम है प्रोग्राम कंसल्टेंट का, और यह पद है PMU रायपुर के लिए। इसकी कुल एक ही सीटें खाली हैं तथा यह सीट जनरल के लिए सुरक्षित है। अब इसकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो इसके लिए आपके पास आयुर्वेदा से ग्रेजुएशन होना चाहिए तथा योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक यानी कि आयुष के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है। इसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। इसके अलावा आपके पास हिंदी एवं अंग्रेजी का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। अगला है कि आपको कंप्यूटर का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए, और इस पोस्ट के लिए वेतनमान है 45,000 रुपये। अगला पोस्ट का नाम है फाइनेंस एंड अकाउंट्स मैनेजर, और यह पद है PMU रायपुर में। इसकी भी वैकेंसियों की संख्या केवल एक ही है और यह जनरल के लिए खाली है। अब इसकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो CA के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, या इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंसी के साथ MCOM किया है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर फाइनेंस के साथ MBA किया है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास MS ऑफिस, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल की अच्छे से जानकारी आपको होनी चाहिए। इसका वेतनमान 45,000 रुपये है। अगली पोस्ट की तरफ चलते हैं। तो अगला पोस्ट का नाम है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर का, और यह पोस्ट है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज हॉस्पिटल रायपुर बिलासपुर। इसमें पदों की संख्या 2 है, जिसमें जनरल से 1 पोस्ट है तथा ST से 1 पोस्ट है। अब देख लेते हैं इसकी क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो इसके लिए भी सबसे पहले आयुर्वेदा से ग्रेजुएशन मांगा गया है। इसके अलावा आपका 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है तथा इसके अलावा आपको MS ऑफिस, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल की अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब इस पोस्ट के लिए वेतनमान देख लेते हैं। तो इसमें वेतनमान आपको 45,000 रुपये दिया जाएगा। अगला पोस्ट का नाम है योगा चिकित्सक। इसमें पदों की संख्या है कुल मिलाकर 22, जिसमें से जनरल की कुल 9 सीटें हैं, OBC की 3 सीटें हैं, SC की 3 सीटें हैं तथा ST के कुल 7 सीटें हैं। इसकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। इसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या संस्था से योग एवं नेचुरोपैथी में ग्रेजुएशन मांगा गया है। अगला है कि छत्तीसगढ़ राज्य आयुर्वेद, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में आपका स्थायी पंजीयन होना चाहिए। इसमें वेतनमान देख लेते हैं। तो इसके लिए वेतनमान है 25,000 रुपये। अगला पोस्ट देख लेते हैं। तो अगले पोस्ट का नाम है प्रोग्राम असिस्टेंट का, और यह पद है PMU रायपुर में। इसमें पदों की संख्या कुल 1 ही है और यह पद जनरल के लिए है। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? इसके लिए आपके पास कॉमर्स से ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए तथा हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग आपका अच्छा होना चाहिए, और आपके पास MS ऑफिस, टेली तथा प्रोग्रामिंग में जानकारी अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए आपको 22,000 रुपये की सैलरी दी जाएगी। अगला पोस्ट का नाम है डाटा एसोसिएट का। इसमें पदों की संख्या कुल 22 है, जिसमें से जनरल की कुल 9 पोस्ट है, OBC की 3 पोस्ट है, SC की 3 पोस्ट है तथा ST की कुल 7 पोस्ट खाली है। इसकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। इसके लिए आपके पास PGDCA या DCA होना चाहिए, हिंदी तथा अंग्रेजी में टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए,
तथा आपके पास एमएस ऑफिस के अच्छे से ज्ञान होनी चाहिए। इसमें आपका वेतनमान 15,000 रुपये है। अगला पोस्ट का नाम है डाटा एंट्री ऑपरेटर का। इसकी कुल वैकेंसी देख लेते हैं तो कुल एक ही वैकेंसी है और यह पोस्ट जनरल के लिए है। इसमें भी वही क्वालिफिकेशन मांगा गया है, PGDCA तथा DCA, हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग मांगा गया है तथा MS ऑफिस की अच्छे से ज्ञान होनी चाहिए। इसमें भी वेतनमान 12,000 रुपये दिया जाएगा। तो वे रही कुल पदों की जानकारी। अब देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ सामान्य शर्तें एवं उसकी दिशा निर्देश। उसमें लिखा गया है कि इसमें आपका भरे हुए आवेदन पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज सहित दिनांक 15 नवंबर 2021 शाम 5 बजे तक बंद लिफाफे में आवेदित पद का नाम एवं प्रवर्ग अंकित कर पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय राष्ट्रीय आयुष मिशन संचालनालय आयुष पुराना मंत्रालय परिसर रायपुर छत्तीसगढ़ के पते पर आप भेज सकते हैं। और आपके आवेदन पत्र के साथ ये निम्न दस्तावेजों की छाया प्रति भी आपको भेजना होगा, जिसमें है आपका 10वीं का अंक सूची। अगला है आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री की अंक सूची की फोटोकॉपी। अगला है आपका संबंधित काउंसिल में पंजीयन प्रमाण पत्र। अगला है रोजगार कार्यालय में आपका जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, आपका निवास प्रमाण पत्र, और यदि आपका जाति है तो आपका स्थायी जाति प्रमाण पत्र, आपके पहचान पत्र के रूप में आपका या आधार कार्ड या वोटर आईडी या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें आपका नाम व पता अच्छे से दर्ज किया हो, आपका अनुभव प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, या उस पोस्ट से संबंधित कोई भी दस्तावेज यदि लागू हो तो आप उसका फोटोकॉपी आवेदन पत्र के साथ ही आपको भेजना होगा। इसकी कुछ और ज़रूरी शर्तें या नियम पढ़ लेते हैं जो ज़रूरी है आपके लिए। इसमें लिखा गया है कि आवेदन पत्र हेतु शुल्क आपको ड्राफ्ट के माध्यम से देना होगा और यह ड्राफ्ट राज्य आयुष सोसाइटी रायपुर के नाम से तैयार कर आवेदन के साथ ही आपको भेजना होगा। अब देख लेते हैं कि कितनी शुल्क लगेगी। इसमें विकलांग आदिम जाति तथा आदिम जनजाति के लिए यदि 25,000 प्रति माह से कम वेतन है तो ST/SC के लिए 100 रुपये, OBC के लिए 200 तथा जनरल के लिए 300 रुपये, और यदि 25,000 से ज़्यादा वेतनमान है तो ST/SC को 200, OBC 300 तथा जनरल के लिए 400 रुपये का फीस आपको देना होगा। अगला देखते हैं कि लिखा है अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को यहाँ आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगला निर्देश है कि अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। और आप एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग फॉर्म सबमिट करना होगा। आयु सीमा के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 64 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आपकी आयु की गणना 1 जनवरी 2021 के आधार पर की जाएगी। अब देख लेते हैं कि इसमें भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी। इसमें लिखा गया है कि प्राप्त आवेदन पत्रों और दस्तावेजों की जांच कर पात्र और अपात्र अभ्यर्थियों की सूची को इसके विभागीय वेबसाइट www.cghealth.nic.in पर अपलोड किया जाएगा। आप समय समय पर इसकी अवलोकन करते रहें। इसमें छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को ही ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। अब देख लेते हैं इसकी चयन प्रक्रिया। तो इसमें पात्र अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं लिखित कंप्यूटर बेस्ड कौशल परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर रखा जाएगा। यदि आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो उसके भी आपको कुछ अंक अलग से दिए जाएंगे। और इस विभागीय विज्ञापन का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाकर इस विज्ञापन को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा तथा इंटरव्यू के समय आपको इन समस्त डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ लाना अनिवार्य होगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इन समस्त डॉक्यूमेंट्स की मूल प्रति एवं एक एक प्रति, इनकी छाया प्रति को आपको लाना होगा। आप इस विज्ञापन को डाउनलोड कर अच्छे से पढ़ लें तथा समझ लें, उसी के बाद आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि आपका अंतिम चयन सूची कैसे तैयार किया जाएगा। तो इसके लिए आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के सभी वर्षों के प्राप्तांक का प्रतिशत 65% से कम नहीं होना चाहिए। आपका अनुभव प्रमाण पत्र
पोस्ट से संबंधित होने की दशा में ही मान्य होगा। आपका कौशल परीक्षा 20 अंक का होगा और कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के कुल अंकों का 40% अंक अर्जित करना आपको अनिवार्य होगा। यदि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर तथा भर कर आप जमा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें तथा हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नई नई जॉब्स एवं वैकेंसियों की जानकारी आप तक जल्दी से पहुँच सके। धन्यवाद।